हाय मॉमीज़ एंड डैडीज़ वेलकम बैक टू मोम कॉम इंडिया आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ नूर की लाइफ में एक दिन नूर अभी एक साल की हुई है और ये वीडियो हम नवंबर के लास्ट वीक में शूट कर रहे हैं जब यहाँ पे थोड़ी ठंड पड़ गई है सो so, नूर की मॉर्निंग होती है एनीवेयर बिटवीन सिक्स टू सेवन ये वो टाइम होता है जब उसका भैया रेडी होकर स्कूल जा रहा होता है तो घर में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है जिससे वो उठ जाती है फिलहाल वो रात को ठीक से नहीं सो पाती है बिकॉज़ उसको काफ़ी टीदिंग हो रही है तो वो रात को पाँच छः बार उठती है तो आइडियली उसका वेकअप टाइम लेट हो सकता है बट भैया से मिलने की इतनी एक्साइटमेंट होती है कि वो जल्दी उठ जाती है उठने के बाद वो इस टाइम पर थोड़ा सा बेड पे मस्ती करती है डैडी से मिलती है मुझसे मिलती है थोड़ी बहुत बेड मस्ती करने के बाद मैं उसको रेडी कर देती हूँ तो यहाँ पर मैंने उसको स्वेटर पहनाया वार्म पैंट पहनाई सॉक्स पहनाई मॉइस्चराइज़ किया बाल ठीक किए और फिर उसे रेडी कर लिया अब इस टाइम पे मैं उसको मिल्क पिला रही हूँ ये काउ मिल्क है तो दिन में मैं उसको काउ मिल्क पे ले आई हूँ और रात की जो फीड होती है वो मैं अभी उसको फिर भी फॉर्मूला ही देती हूँ तो रात को वो कई बार एक फीड लेती है या फिर दो फीड लेती है इसके बाद वो अपना खेलने चली जाती है भैया के रूम में बैठ के भैया के टॉयज से खेलती है बुक से खेलती है नानी के पर्स से खेलती है बेसिकली किसी भी चीज से वो इस टाइम पे खेल रही होती है गैस आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने उठते ही उसको मिल्क क्यों दिया ऐसा रोज नहीं होता है तो डिपेंड करता है कि उसने अपनी लास्ट फीड फीड कब ली थी अगर उसने फीड को एक डेढ़ तो से स्टार्ट करती हूं सुबह पांच बजे के करीब ली होती है तो फिर मैं थोड़ा वेट करके उसको सीधा ही ब्रेकफस्ट देती हूँ अब वो थोड़ी देर खेलेगी एक से डेढ़ घंटा खेलने के बाद वो थक जाती है और वो अपनी फर्स्ट नैप के लिए चली जाती है इस टाइम पे वो ज्यादा लंबा नहीं जागती जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि वो रात को कंफर्टेबली नहीं सो पा रही है आजकल तो इस टाइम पे उसको जल्दी नींद आ जाती है तो यहाँ पे नोर सो चुकी है यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें ज़रूर दिखाना चाहूँगी पहला है ये मिंकी डॉट ब्लैंकेट जो मैं शुरू से नूर के लिए यूज़ कर रही हूँ ये एक साल से छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा ब्लैंकेट है गाइज़ आप इसे गर्मियों में एज ए सी ब्लैंकेट यूज़ कर सकते हो और सर्दियों में एज अ वॉम ब्लैंकेट बच्चों को दे सकते हो बहुत अच्छी वॉम देता है मेरे पास इसके तीनों ही कलर्स हैं ये अमेज़ॉन पर अवेलेबल है प्लम बनी ब्रांड का है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी साथ ही मैंने नूर का पिलो अब काफ़ी टाइम से चेंज कर दिया है पहले नूर छः महीने तक मस्टर्ड सीड्स पिलो यूज़ करती थी प्लम्बनी ब्रांड का अगेन वो अमेजोन पे है अब नूर ये टॉडलर पिलो यूज करती है ये भी प्लम्बनी ब्रांड का है तो क्या होता है कि विंटर्स में बच्चों का नोज ब्लॉक वगैरह हो जाता है तो आप उनका हेड थोड़ा सा एलिवेट कर दो तो फिर उनको सोने में प्रॉब्लम नहीं होती तो ये नूर इस पर काफी कम्फर्टेबली सोती है इस टाइम पे नूर दो घंटे नैप लेती है उसके बाद बिल्कुल फ्रेश उठती है और बहुत कंफर्टेबल नैप होती है उसकी ये वाली उठने के बाद हम फटाफट उसको उसका फर्स्ट मील खिला देते हैं जो कई बार वो सोने से पहले खा चुकी होती है और अगर दूध पीती है तो अभी खाती है तो यहाँ पे वो बेसन का चीला खा रही है जो उसका फेवरेट है इसकी रेसिपी मैं जल्दी ही चैनल पे डाल दूंगी अब ये करने के बाद नोट अगेन थोड़ी देर फ्री प्ले करती है बच्चों को पाक में लाने का मैक्सिमम छोटे बच्चे मुझे इस टाइम पे पाक में दिखते हैं बिकॉज अभी हवा नहीं चल रही होती ठंड ज्यादा नहीं है और परफेक्ट धूप है टू सोक इन ऑल द वाइटमिन डी बट सनस्क्रीन लगा के बच्चों को जरूर लेके आइएगा अब यहाँ पे वो पाक में खेलती है खेलते खेलते ही भैया भी स्कूल से आ जाता है और फिर वो दोनों पार्क में थोड़ी देर और टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पे कम से कम एक डेढ़ दो घंटे हमें लग ही जाते हैं डिपेंडिंग ऑन बच्चों में कितनी एनर्जी है या उनका मूड कैसा है उसके बाद हम घर वापस आते हैं अब नूर को फिर से भूख लग चुकी होती है तो इस टाइम पे मैं उसको दूसरी मील देती हूँ जो कि आज वो खा रही है राइस और चिकन ये चिकन अवन में बनाया गया है बहुत ही ब्लैंड चिकन है ये बट नूर को ये बहुत सॉफ्ट लगता है खाने के लिए और राइस के ऊपर भी थोड़ा सा घी डाल के मैं उसको छोटी छोटी बाइट्स बना के दे देती हूँ तो वो सॉफ्टली उसको भी खा लेती है ये करने के बाद अब बिल्कुल वो थक चुकी है अब वो अपनी सेकेंड नैप लेती है सेकेंड नैप उसकी बहुत लंबी नहीं होती एक से डेढ़ घंटे में वो उठ जाती है उठने के बाद नॉर्मली मैं उसको शाम को दूध देती हूँ बट आज नानी ने उसको पिन्नी दिखा दी और उसको पिन्नी खाने का मन कर रहा था तो उसने थोड़ी सी पिन्नी खाई और दूध रिजेक्ट कर दिया ये करने के बाद मैं नूर को थोड़ी देर के लिए नीचे ले जाती हूँ नीचे मैं अब उसको बेबी कैरियर में ले जाती हूँ बिकॉज प्रैम को जब आप चलाओ तो थोड़ा सा विंडी लगता है तो बच्चों को अनकंफर्टेबल लगता है कैरियर में एक अच्छी वार्म मिलती है और उन्हें मज़ा भी आता है रात के टाइम चीज़ें देखने में तो यहाँ जाके वो भैया की गेम देखती है पार्क भी देखती है मेरे साथ वॉक कर लेती है या कभी सौरों के साथ वॉक कर लेती है तो बेसिकली आधा घंटा वो इस टाइम पे भी पार्क होकर आती है बिकॉज सम हाओ उसको ठंड में पार्क में जाना बहुत अच्छा लगता है ये करने के बाद वो ऊपर आती है इस टाइम पे कबीर का स्नैक टाइम हो रहा होता है तो जो भी वो स्नैक खा रहा होता है उसका माइल्ड फॉर्म हम नूर को भी दे देते हैं तो यहाँ पे वो आलू पालक की एक टिक्की खा रही है घी में रोस्टेड है ये इसकी रेसिपी में मैं जल्दी शेयर करूंगी इसके बाद वो फिर से खेलने में बिजी हो जाती है वैसे एक और चीज़ आपको बता दूँ कि बिकॉज नूर को टीदिंग हो रही है तो बहुत ज़्यादा स्पून फूड प्रेफर नहीं करती है वो जनरली फिंगर फूड ही प्रेफर करती है और वो आराम से इसको खा भी लेती है बिकॉज अब उसके दांत भी आ रहे हैं और मील्स अगर आप देखेंगे तो हम उसके लिए कुछ भी स्पेशल नहीं बनाते हैं जो सबके लिए बना होता है वही हम थोड़ा सा कस्टमाइज करके नूर के लिए भी अलग कर देते हैं तो हम काफी हद तक उसको फैमिली फूड पे ही ले आए हैं ये करने के बाद नूर का बेड टाइम होता है तो बेड टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे बाथ देना तो विंटर्स में हम कबीर के साथ भी ये करते थे कि उसको रात को बाथ दे के सुलते थे तो हम हीटर ऑन करते हैं रूम और बाथरूम का टेम्परेचर सेट करते हैं बाथरूम में थोड़ा हॉट शावर चला देते हैं ताकि वहां पे भी अच्छा एक टेम्परेचर सेट हो जाए अच्छी से एक वार्म बाथ देते हैं बच्चे फ्रेश भी हो जाते हैं और उन्हें नींद भी ठीक आती है

सिंपल सा दिन हंसते खेलते खाते पीते मस्ती करते हुए निकल जाता है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नो डिफरेंट चीज़ें खा रही है उसको डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है उसको ज़्यादा स्वीट फूड अच्छा नहीं लगता है क्वान्टिटी टोटली totally उसके मूड पे डिपेंड करती है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं खाती है बट थोड़ी क्वांटिटी ही खाती है मे बी वो टीदिंग की वजह से ही उसको फिर से प्रॉब्लम हो रहा है एंड दूध की बात करूँ तो वो अराउंड फाइव आउन्स मिल्क एक टाइम पे लेती है रात को वो एक या दो फीड लेती है अगर इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन हैं तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन कर दीजिएगा मैं उसका आंसर कर दूँगी और आने वाले दिनों में मैं अपडेटेड रूटीन भी आपके साथ शेयर करूंगी तो स्टे ट्यून ऑन द चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक like ज़रूर कर दीजिएगा थैंक यू सो मच बाय बाय